अगर आप किसी के साथ रिलेशन में उससे बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तो यकीन कर लें कि आपका अपना दिल भी इस हकीकत को नहीं मान रहा कि वो आपका साथ निभाएगा। कभी कभी वो रब दिल में गुजरने वाली छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा करके ये बताता है कि आए मेरे बंदे, देख मैं तेरे कितना करीब हूँ, बस तू परेशान न हुआ कर। और अल्लाह के यहाँ मोहब्बत का असूल यह है कि जितना ज़्यादा अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें आजमाइश में डालेगा। ज़िंदगी की कुछ कहानियों का इख्तिताम लाहासिल पे होता है, कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभार हम वो चीज़ें भी मांग लेते हैं जो हमारी नहीं होती, जो किसी और का हिस्सा होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बस आजमाइश के तौर पर आती हैं। तो जो कहानियाँ अल्लाह लाहासिल पे ख़त्म कर देता है उनमें कितनी बड़ी मसलियत होती है। अगर उस वक्त तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो तुम सारी ज़िंदगी शुक्र के सजदे से न उठो। अल्लाह चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वह ऐसा नहीं करता, वह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। हाँ, अभी ये हिकमतें समझ में नहीं आ रही, मगर यकीन करो एक दिन सब समझ आ जाएगा। फिर तुम शुक्र करोगे कि फलां फलां चीज़ तुम्हें फलां फलां वक्त नहीं मिली, तुम नहीं समझते मगर देने वाला खूब जानता है। अगर नसीब लिख दिया गया है तो फिर ये दुआओं के जतन कैसे, ये सवाल करते हुए उसके लहजे में बे इंतहा दर्द था। कुछ चीज़ें आजमाइश होती हैं, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, इसलिए अल्लाह उनका खाना नसीब में खाली छोड़ देता है, क्योंकि उसको इल्म होता है कि मेरा एक झला सा बंदा ऐसा है इसने मुझ तक आना तो है मगर ढेर सारी ठोकरों के बाद, इसलिए वो उन चीज़ों को तुम्हारे लिए नसीब में नहीं रखता, वो उन्हें दुआओं में छुपा देता है कि इन चीज़ों की खोज के बहाने निकलोगे तो उसे भी तलाश कर लोगे, यूँ आजमाइश का हक भी अदा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। मोहब्बत उससे करें जो आपकी शरारतों पर हंस सके, आपके पागलपन में शरीक रहे, सर्दी की यखबस्ता शामों में आपके साथ दरिया में पाँव रख कर बैठ सके, जिसके सामने आपके अंदर का बच्चा खुल कर शरारत कर सके, और जो आपकी आँख में आंसू देख के बिना आपके बोले दुख महसूस कर ले, और आपकी आँख का आंसू हमेशा साफ करे ना कि आपकी आँख में आंसू लाए, और जो आपके रूठने पर आपको मना ले, और अगर कभी अपना गुस्सा निकाले तो भी आपकी इज़्ज़त को अवलियत दे, मोहब्बत में रूठे को मनाने में देर ना करे। और पता है बेबसी की इंतहा क्या है, जहन में लाखों उलझे ख्यालात की माला को खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ों में पिरो कर बयान करना। बात सिर्फ ख्यालात को बयान करने की हो तो इजहार मुश्किल नहीं होता, हाँ मगर मुतजाद ख्यालात को एक ही माला में लफ्ज़ों के हसीन जाल बनकर पिरोना बेहद मुश्किल बल्कि अजियत की आखिर होता है, क्योंकि जो लिखकर अपनी अंदरूनी कैफियत को बयान करने वाले होते हैं ना, उनकी हमेशा बस यही कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन लफ्ज़ों का चुनाव करके अपनी बात वर्क पे साबित करें, मगर जब मुतजाद और अनगिनत ख्यालात का जम घुटा जहन में जमा होने लगे तो लफ्ज़ों का चुनाव करने की सलाहियत का खोना तो अलग बात, लफ्ज़ साथ देना ही छोड़ जाते हैं, और यही होती है बेबसी की इंतहा, जब आप कहना चाहें मगर कह ना पाएं। बिल्कुल वैसी ही कैफियत होती है जैसे ख्वाब में इंसान किसी अपने की मौत के मातम पर चीख चीख कर अंतर की अजियत आवाज़ के ज़रिए बाहर उंडेलने की कोशिश करता है, मगर आपकी आवाज़ अंदर दब के रह जाती है। कितनी आर्जी थी रौनकें, कितना खामोश अब ये ज़माना है, बहुत कर ली खताएँ, अब रूठे हुए रब को मनाना है। हालात बता रहे हैं कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी का फसाना है, निशान बिना रहेगा बाकी सब कुछ यूँ मिट जाना है, फिर रख कर रब पर यकीन की डोरी ज़िंदगी को बढ़ाया जाता है, टूट जाए जब इंसान तो फिर उसको और आजमाया जाता है, साथ छोड़ता नहीं वो रब कभी भी, बस सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। हार जाए तो हार जाए, जीत जाए जो तो उनको रब मिल जाया करता है, भीगी हुई आँखों और हंसते हुए होंठ फिर उसको दिल का हाल बताया जाता है। ले आए जिनको मोहब्बत रब के इश्क में, ऐसे वली वालों को फिर अपना आप बताया जाता है।
ख्वाहिश हर मोर पर साथ छोड़ जाती है, सांसें चलती हैं फकत, फिर बस एक रब को मनाया जाता है, बस फिर एक रब को मनाया जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मिजाज के हामिल होते हैं, मगर फिर भी हमारा उनसे निभा नहीं हो पाता। फिर ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो करख्त और तुर्श मिजाज के हामिल होते हैं, मगर इसके बावजूद हमारा उनसे निभा हो जाता है। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के लिए मखसूस कर देता है, चाहे उनके मिजाज में तजाद ही क्यों ना हो, और फिर अल्लाह बाज़ लोगों से दूर कर देता है चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो। इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी भी तुम्हें किसी दोस्त या किसी महबूब को खोना पड़े तो मायूस मत होना, इसे अल्लाह की तकसीम समझकर सर झुका लेना। वो दुनिया से आंसू छुपाने वाली लड़की, वो तन्हाई में आंसू बहाने वाली लड़की, जो हंसाए तो देखती रह जाए दुनिया, और रब की मोहब्बत में मुस्कुराने वाली लड़की, खुशी के मौक़ों पर जो आंसू बहाए, उदास लम्हों में जो मुस्कुराए, वो तशक्कुर का पैकर आजिज मिजाज लड़की, और रब की रज़ा में राजी रहने वाली लड़की। ये आज जो तुम रोते हो ना, ये दिन भी आखिरकार गुजर जाना है, चलते चलते इस सफर में तुम्हारा रास्ता बदल ही जाना है। तुम समझते हो कि मैं इसी गम में ही हमेशा रह जाऊंगा, तुमने इस झूठ से भी आखिरकार एक दिन निकल ही जाना है। तुम नहीं रहोगे इसी वक्त में ही हमेशा, आगे तुमने कहीं और बस ही जाना है। इसी तकलीफ ने तुम्हें अभी और सिखाना है, इसके बाद फिर तुम्हें सुकून मिल ही जाना है। जो चले गए थे आधे मोर पर छोड़कर, सब्र करो, अभी तुम्हारा वक्त भी तो आना है। तारीफ को चारों अतराफ से चाहते हो तो तनकीद को दिल खोल कर अपनाना पड़ेगा। हर किसी को तुम जवाज पेश करने के पाबंद नहीं हो, ना ही हर किसी का ख्याल करने के पाबंद हो। दुनिया के सामने आए हो तो उनके एहसासात का सामना भी करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता, मैं थक गया हूँ, मेरा दिल घुटता है, बुज़दिल लोगों का मकूला है, ये मुश्किल होगा, मगर कब तक? एक दिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, ये जो बर्दाश्त है तुम्हें तुम्हारी वक़्त तक पहुंचा देगी। सब्र और मेहनत आबे हयात है जो तुम में हुनर के दायमी जौहर खिला देगी। आप सब में यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों से उलझ उलझ कर थक गए होंगे, और कहीं ना कहीं उनका दिल अल्लाह की तरफ लपका होगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जो ख़ुद को बदलना चाहते होंगे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ से शुरू करें।